हम कहते हैं ना, जब अपने हाथों में या फिर कहीं पे एसिड लगा लेते हैं तो एकदम वो चिकनापन चले जाता है, तो वो डिटर्जेंट पेस्ट के साथ कभी भी नहीं रहता। और इवन आपको हम आगे भी दिखाएंगे कि जो हमारे कहाँ हम सर्विस कराने जा रहे हैं उनका क्या ओपिनियन है एम सॉइल को लेकर, क्योंकि बट कुछ भी कहो, अहमद जी ने अगर गाड़ी पे हाथ लगा दिया ना तो गाड़ी एकदम मक्खन बन के ही जाएगी। ये चीज़ मेरे को अहमद जी की बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि हमेशा मैं आता हूँ अहमद जी मिलते हैं या फिर अनिल भैया मिलते हैं या फिर जावेद जी मिलते हैं। अहमद जी ज्यादा क्लीन नहीं हुआ है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको बेसिकली दिखाएंगे, आज सर्विस वाला दिन है, मतलब अपनी गाड़ी की सर्विस होने वाली है, कौन से प्रोडक्ट के साथ होने वाली है। अगर आपने हमारी ईबीसी वाली ब्रेक वाली वीडियो देखी, उसमें दिखाया था मॉडिफाइड ट्रेनर ने हमको ब्रेक के साथ एक और स्पेशल चीज़ भेजी थी, तो वो आज हम दिखाएंगे क्या था वो। तो पहले तो आप थोड़ा देखो, तो ये कैमरा बैग है। तो हमको जो मॉडिफाइड ट्रेनर वालों ने भेजा था वो था अपना, एक बार थोड़े से हमने अनबॉक्सिंग वगैरह कर लिए, तो एम सॉइल का हमें इंजन ऑयल भेजा था जो कि मेड इन यूएसए। इसके बात करेंगे आखिर ये प्रोडक्ट है क्या, क्यों ये डलवाना चाहिए और क्या कॉस्टिंग वगैरह पड़ती है। दूसरी चीज़ जो भेजी थी वो भेजी थी इंजन फ्लश, जो कि जितने भी हमारे गाड़ी के अंदर या फिर जब हम इंजन ऑयल डलवाने से पहले इंजन फ्लश यूज़ करते हैं, आखिर इंजन फ्लश का क्या यूज़ होता है, कितने टाइप के आते हैं, उस सारी बात करेंगे। करते हैं वीडियो स्टार्ट, मेक श्योर आपने वीडियो लास्ट से देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको volvo.com के बारे में बताना चाहूंगा। बेसिकली ऑनलाइन स्पेयर पार्ट कंपनी है जहां से आप गाड़ी का ए से लेकर जेड तक कोई सा भी सामान आप मंगा सकते हो। इवन आपके पास ऑल्टो से लेकर हाई एंड बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, इवन कोई से भी गाड़ी हो, हाई एंड लग्जरी गाड़ी, उसका भी आप स्पेयर पार्ट मंगा सकते हो। तो भाई देरी किस बात की हो रही है, पैन इंडिया शिपिंग आपको मिल जाती है, इंडिया के किसी भी कोने में हो आपको वहां तक शिपिंग मिल जाती है। तो चलते हैं आपके इंटरफेस की तरफ, आखिर आपका इंटरफेस कैसा आपको मिलता है, कैसे हम ऑर्डर वहां पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप के इंटरफेस की तरफ बात करना चाहूँगा, बिल्कुल ही बेहतरीन। यहाँ पे आपका इंटरफेस उल्टो फुल चेंज हो चुका है। यहाँ पे टाइप योर क्वेरी में आप टाइप की अपनी गाड़ी का जो भी पार्ट आपको चाहिए वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। इवन सर्च बाय कार से आप डायरेक्टली गाड़ी के मॉडल ईयर डाल के आप सर्च कर सकते हो। सर्च बाय विन, जो गाड़ी का विन नंबर आता है आप उससे डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे सर्च बाय कार, यहाँ पे मैं करूँ, हमारी जो गाड़ी है मारुति है, कौन सी है एक बार मैं दिखाया था आपको, स्विफ्ट है, कहाँ है स्विफ्ट अपनी जान। तो ये स्विफ्ट हमने सिलेक्ट कर दी, और कौन से ईयर की है, काफ़ी सारे 2005 से लेकर टिल ना 2021 में जो स्विफ्ट आ रही है वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, बट हमारी है 2020। तो यहाँ पे 2020 करा मैंने, और यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ हमारी है 1.2 LXI पेट्रोल। तो यहाँ पे मैंने LXI पेट्रोल पे क्लिक किया, सर्च पार्ट और सर्च OEM कैटलॉग भी हम कर सकते हैं। अगर मैं सर्च पार्ट पे क्लिक करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे सारे उसके पार्ट आने लग जाएंगे, बट अगर मैं यहाँ पे सर्च OEM कैटलॉग करूँ तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिकल हो गया, इंजन हो गया, बॉडी हो गई, सस्पेंशन, ब्रेक, ट्रांसमिशन, सब कुछ सेपरेटली। अगर मैं बॉडी खोल के आपको दिखाऊँ तो बॉडी में क्या क्या सामान आते हैं सब कुछ यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपको स्विफ्ट का ही मिलेगा, यहाँ पे इतने सारे ब्रांड है, टेलना जितनी गाड़ी आती है मार्केट में उन सारी गाड़ी का आपको मिल जाएगा, वेदर इट इज़ नॉर्मल, वेदर इट इज़ लग्जरी, वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स कार। तो आप टेंशन वाली कोई बात नहीं है, तो आप अपनी गाड़ी का सामान volvo.com से मंगवा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं आखिर एम सॉइल ही क्यों, एम सॉइल क्या है, अगर हम इसका इंजन ऑयल यूज़ करें क्या हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इवन आखिर अगर आपने सुना नहीं तो ये बाकी ब्रांड से जितने भी लिक्विड मॉली वगैरह आते हैं, एस्ट्रोल आता है, उससे क्यों अलग है और यही ब्रांड क्यों, आपको बताना चाहूँगा। ये जो ब्रांड है, ये जो फर्स्ट ब्रांड था जो फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल लेके आया था। इवन मैं एक छोटी सी आपको एक क्लिप भी दिखाऊंगा, एक बाकी जितने भी फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल बोलते हैं कि हम फुली सिंथेटिक है और इसमें क्या डिफरेंस है, ये 40,000 माइल्स ही हमें क्लेम करता है, मतलब अगर हम उसे किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो नियर अबाउट 24,000 to 25,000 तक ये क्लेम करता है। बट एज पर हमारी गाड़ी के जितने भी शेड्यूल रहते हैं, इंटरवल रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज कराना होता है। बट ये जो था सिग्नेचर सीरीज थी, जो कि हम
मारुति की गाड़ी हो गई, हुंडई की गाड़ी हो गई, या फिर होंडा के इंजन हो गए 1.2 या फिर हुंडई वगैरह 1.2 तक हम इसे चेंज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर हम जर्मन कार की बात करें, जैसे BMW हो गई, पोलो हो गई, अपनी VW ग्रुप आ गया, स्कोडा ग्रुप आ गया, सारी जर्मन बेस्ड कार है, इनके लिए ये वाला नहीं है, इनके लिए स्पेसिफिक अलग आता है। तो ये कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये तो हमारा बिल था जो मैंने EBC ब्रेक के टाइम पे आपको दिखाया था, इसी बिल में ये भी हमारा था। हाँ, इसको डलवाने के बाद वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा वो तो आपको लास्ट में ही पता चलेगा। मीनवाइल आपको चेक करना चाहूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेड इन USA, ये कोई कॉपी नहीं और ना इसमें कोई कॉपी आता है। इवन जैसा कि आप देख पा रहे हो, हाँ कि मैं कहना चाहूँगा पर्सनली बहुत टाइम से सोचा था, क्योंकि गाड़ी जब हमारी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड में चली आती है तो आप फुल्ली सिंथेटिक डलवाना तो चाहिए चाहिए, बट बार बार इंजन ऑयल स्विच नहीं करते रहना चाहिए गाड़ी में। जैसे गाड़ी जब हम रवा करते हैं तो कहते हैं ना सिंगल हैंडेड रहने चाहिए, अगर सिंगल हैंडेड नहीं रहते तो काफ़ी लोगों के हाथ में जाके गाड़ी की लाइफ वहीं पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सबका चलाने का तरीका अलग अलग होता है। किसी का होता है कि विदाउट क्लच दबाए गियर चेंज करना, किसी का होता है हाफ क्लच हाफ क्लच दबा के गियर चेंज करना, और मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और गाड़ी अगर एक बंदे के हाथ में रहती है तो बहुत अच्छी चलती है। वैसे सेम इंजन के साथ होता है, उसे एटलीस्ट हम एक ही इंजन ऑयल के साथ रखें तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत लोग के अंदर आएगा यार न्यू ब्रांड है, कुछ पता नहीं है इसके बारे में, और क्या यार कॉस्टिंग वगैरह क्या पड़ेगी, जो मैंने बताया आपको न्यू नहीं है, बहुत टाइम से पुराना है, और मतलब कह सकते हो बाकी जितने भी इंजन वाले उसके मुकाबले इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमने मंगाई थी वो मंगाई थी इंजन फ्लश। आखिर इंजन फ्लश ही क्यों, गाड़ी कितनी चली है 20,000 किलोमीटर नियर अबाउट अपने होने वाले, 19-20,000 के आसपास ही है। इंजन फ्लश इतनी जल्दी डलवाना चाहिए नहीं डलवाना चाहिए, जितने भी हमारे नए इंजन है ना उसमें रिकमेंड होता है, कोई आपको बोलेगा नहीं, क्योंकि आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कॉस्टिंग बढ़ेगी तो कंपनी वाले लेबर चार्ज भी तो बढ़ाएंगे, क्योंकि सामान से महंगा तो लेबर चार्ज पड़ जाता है हम लोग को। तो ये जो रहता है हम लोग रिकमेंड करते हैं कि जितने भी 10,000 किलोमीटर जितने भी आपकी सर्विस इंटरवल होते हैं हमेशा एक बार जरूर इंजन फ्लश यूज़ करें। ये जो है इंजन फ्लश, आखिर क्योंकि बहुत लोग कंसर्न रहते हैं यार आप इंजन फ्लश यूज़ करें कोई डिफरेंस लग नहीं रहा, ये जो है मटेरियल इसके अंदर जो एम्सॉल यूज़ करता है डिटर्जेंट बेस करता है, डिटर्जेंट बेस वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्वालिटी होती है जो हमारे इंजन फ्लश के साथ काम करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो होते हैं एसिडिक आता है, एक नॉन एसिडिक आता है, फिर लास्ट में आता है सबसे ज़्यादा डिटर्जेंट बेस। डिटर्जेंट बेस हमेशा कॉस्टली पड़ेगा एज कम्पेयर टू एसिडिक, नॉन एसिडिक थोड़ा सा एसिडिक के मुकाबले ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा और डिटर्जेंट बेस सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, क्योंकि हमेशा याद रखना क्योंकि डिटर्जेंट बेस किसी भी आपके कंपार्टमेंट को पूरा मतलब एक ख़राब नहीं करता, क्योंकि एसिड जब हो जाता है ना तो एकदम इसको ऐसे हम कहते हैं ना जब अपने हाथों में या फिर कहीं पर एसिड लगा लेते हैं तो एकदम वो चिकनापन चले जाता है, तो वो डिटर्जेंट बेस के साथ कभी भी नहीं रहता। और इवन आपको हम आगे भी दिखाएंगे कहाँ हम सर्विस कराने जा रहे हैं उनका क्या ओपिनियन है एम सॉइल को लेकर, क्योंकि जान की बात है प्रोफेशनल जगह से हो तो ज़्यादा अच्छा है, और प्रोफेशनल जगह से हो तो उस्ताद जी जिनको हम कहते हैं उनका क्या एक ओपिनियन रहेगा, तो वो जानना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। चलते हैं सारी बात उस्ताद जी से करते हैं, सर्विस सेंटर आपको दिखाते हैं कहाँ हम जा रहे हैं और फिर क्या क्या गाड़ी का पैम्परिंग होती है। फाइनली हम लोग SS मोटर पे आ चुके हैं, हमारी जो जान है फाइनली इधर लग चुके हैं। SS मोटर के ओनर विजेंद्र जी से मिलाते हैं, तो आप लोग धीरे धीरे आ जाओ मेरे साथ। तो ये आ चुके हैं हमारे साथ विजेंद्र जी, पहले तो सबको हेलो कर दीजिए। हेलो। और अर्पिता भाई भी आ चुके हैं, तो हेलो कर दो। तो विजेंद्र जी सब लोग पहले SS मोटर के बारे में जानते हैं, बट मैं चाहूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को जो जो नई नई जुड़ी है उनको थोड़ा सा और बताइए SS मोटर के बारे में, आखिर SS मोटर ही क्यों। देखिए वैसे 1998 से मिल काम कर रहे हैं, इसी फील्ड में है पिछले काफी सालों से, और सबसे पुरानी वर्कशॉप हमारी यही है। okay. इस एरिया में उत्तर नगर में सबसे पुरानी वर्कशॉप SS मोटर्स ही है, और क्योंकि पुराना होने के नाते एक तजुर्बा आदमी को हो जाता है जीवन में, तो उसी का फायदा आप सब लोगों को मैं देना चाहता हूँ अपनी ओर से, इसीलिए SS मोटर्स पे मैं चाहूंगा कि रिकमेंड करूँ सब लोग पहुंचे। इवन मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताना चाहूंगा, जब से मेरे पास ऑल्टो थी, अगर आप ऑल्टो की सीरीज देखी है आपने और नहीं देखी तो आई बटन पे आ रही है जरूर उसको जाके देखना, टिल नाउ ऑल्टो का काम भी यही से होता, हमारी स्विफ्ट जो हम सबकी जान है उसका काम, मतलब जब इतनी प्यारी जान बनाई है तो बहुत क्वालिटी वर्क वाले विजेंद्र जी के पास ही जाने चाहिए, क्योंकि वो जान पे इतनी मेहनत लगी है ना, अगर उसका काम ढंग से नहीं हुआ ना तो हम लोग को कल को रोना धोना हो सकता है। दिखाएगा आपको क्या क्या स्टेप फॉलो कर जाएगी, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, इंजन ऑयल आपने देख लिया, इंजन फ्लश देख लिया जो हमको मॉडिफाइड अरीना वालों ने भेजा था। विजेंद्र जी आजकल मार्केट में ना डुप्लीकेसी ही बहुत चल रही है, आपको दिखा रहे डब्बे में ओरिजिनल है बट अंदर पार्ट कुछ और लग रहा है, फिर गाड़ी की जो एक तरह से आप कह लो लाइफ हो रही है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, फिर लग रहा है कल को मेरे को याद आ रहा है यार मेरी गाड़ी तो एकदम नई जैसी थी, इतनी जल्दी वो खराब कैसे हो गई या फिर इतनी जल्दी उसमें दिक्कत कैसे आ गई, एक साल हुआ है गाड़ी को उसमें इंजन की भी दिक्कत आ रही है, तो इन सब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, हमारे पास जो पार्ट्स मिलते हैं वो जेन्युइन रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, सबसे ज्यादा रोल तो इंजन ऑयल का ही रहता है सर्विसिंग में, अगर इंजन ऑयल आप अच्छी जगह से खरीदते हैं
मान लीजिए कि दुकान से भी खरीदते हैं तो एक रिलायबल ट्रस्टवर्दी दुकान होनी चाहिए, वो ऑथराइज्ड डीलर होना चाहिए। इंजन में भी कॉफी चल रहा है, जितना मेरे को पता है कैस्ट्रॉल वगैरह बहुत चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली होता क्या है कि आजकल मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन में लोग बहुत डाउन कर देते हैं अपने, और डाउन जब करेंगे तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो जो पायरेटेड ऑयल होता है, नई कैंस जो खाली होती है, वो लोग खरीद के स्पेशली लेके जाते हैं और वो उनमें फिर पायरेटेड ऑयल भरते हैं और वो मार्केट में बिकता है। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ बिकता है लेकिन फाइनली बिकता तो कहीं होगा ही। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ऑथराइज जगह से आप ऑयल खरीदें, और यदि ऑयल नहीं लेके आ रहे हैं तो हमारे पास ही डलवाएं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर बिल ऑयल रहता है, बिलिंग पे आता है, और सारा काम हम लोग तसल्ली चेक करके ही हम ऑयल परचेज करते हैं। अगर जितने भी पायरेटेड ऑयल है या फिर जो डुप्लीकेट इंजन ऑयल होता है उनका कभी हमको बिल देखने को नहीं मिलता? नहीं मिलता है नॉर्मली। जैसे हमारी रेनोन वर्कशॉप है, पिछले 24 सालों से हम काम कर रहे हैं, तो हमें अपनी गुडविल की चिंता रहती है, तो हम कोई भी डुप्लीकेट पार्ट इस्तेमाल करते ही नहीं है। तो हमारा सबसे आग्रह यही है कि जहाँ पर भी आप काम कराते हो, आप अपनी गाड़ी का काम ऐसी जगह कराएं जहाँ पर आपको लगता है कि ये ट्रस्टवर्दी है, इनको चिंता है अपनी गुडविल की, वो गलत काम नहीं करेंगे आपके साथ, क्योंकि वो तो पैसे कमा लेंगे लेकिन गाड़ी आपकी खराब हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे विजेंद्र जी यहाँ पे आपसे बात करने के लिए बैठे, विजेंद्र जी यहाँ पे आपसे रिलेशन बनाने के लिए बैठे हैं, आखिर वो रिलेशन बनता कैसे? आगे हम आपको काम दिखाते हैं, क्योंकि बातों से नहीं पता चलता क्या चीज है, काम ही जस्टिस करता है। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, आखिर आपको सब कुछ दिखाते हैं कैसे क्या क्या स्टेप बाय स्टेप हमारी गाड़ी का काम होता है। जो नीचे का डेक होता है उस पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी लोअर्ड है। अहमद जी काफी दिक्कत आती है ना लोअर्ड गाड़ी में लगाने में, हाँ जी। बट स्टिल अहमद जी बहुत प्यारे ढंग से लगा रहे हैं, और यहाँ से हमारा एक साइड से फिट हो चुका है, जैसा कि आप देखोगे स्टिल नीचे काफी ज्यादा स्पेसिंग रहने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी गाड़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है या फिर कार लवर हो तो यहाँ पे लगने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टॉक सस्पेंशन तो बहुत इजी लग जाएगा, बट अगर इससे आपके लोअरिंग स्प्रिंग हो गए, कॉइल ओवर्स हो गए, उन सब में दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल नहीं आने वाली। हालांकि हमारा जो इंजन बे है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है, तो माइंड मत करना, गाड़ी ऊपर से चमक रही, इसको हम जल्दी चमका देंगे। इवन इसकी भी सर्विस का टाइम हमारा आ चुका है, अगर आप पास से देखोगे ना ये भी हमारा अच्छा खासा गंदा हो चुका है, बट टाइमली इसकी भी सर्विस हम कर देंगे। तो अहमद जी कर दो दोबारा जी, पहले हम इसमें इंजन फ्लैश डालेंगे गाड़ी में, इंजन फ्लैश डालने के बाद इसे 10 से 15 मिनट स्टार्ट रखेंगे, उसके बाद इसका ऑयल ड्रेन करेंगे, उसके बाद हमें इसका इंजन ऑयल चेंज करेंगे। तो इंजन फ्लश जैसा कि आपने देख लिया होगा हमारी गाड़ी में कौन सा था, तो जैसे ही अहमद जी हमारे इंजन फ्लश डालने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, इसके लिए गाड़ी हमें लिफ्ट करने की जरूरत तो नहीं है ना, लिफ्ट करने की जरूरत नहीं पहले, इसके बाद इंजन हमें ऑन रखना पड़ेगा काफी देर तक। तो यहाँ पे जैसे ही वो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है तब हम आपको दिखाते हैं। मीनवाइल आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे XUV 500 का भी काम चल रहा है, और यहाँ पे न्यू बेहतरीन जब हम आए थे तब नहीं था, SS मोटर डिटेलिंग का भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ज्यादा बेहतरीन लग रहा है, और इवन यहाँ पे i20 का भी काम चल रहा है, ये चेक करो भाई ग्राफिटी कितनी ज्यादा गजब की बना रखी है। एलिट i20 स्पोर्ट्स मॉडल पे सिरामिक कोटिंग वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे होने को दिखता है, ये होंडा सिटी जैसा कि आप देख पा रहे होगे, और ये यहाँ पे इको का भी काम चल रहा है, बहुत प्यारे ढंग से i20 पे डिटेलिंग हो रही है। तो सारा काम जितना होता है काफ़ी प्रोफेशनल ढंग से होता है, क्योंकि हम आए SS मोटर पे, तो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, आपको दिखाते हैं आखिर हमारी जान या फिर हमारी दलों में क्या काम हो रहा है। ये हमारा इंजन फ्लश आ चुका है जो कि एम्स ऑयल का है, ये बेसिकली डिटर्जेंट बेस है, बाकी आप देखिए कैसा रहता है। अहमद जी आप ही शुभारंभ कीजिए, तो अहमद जी के पास आ चुका है प्रोडक्ट, क्योंकि अहमद जी एकदम देखते ही बताए थे कि प्रोडक्ट कैसा है। अहमद जी इसका पता लगाने का कुछ तरीका होता है कि अच्छा है कि नहीं है या फिर अभी पता चल जाएगा? अच्छा अभी पता चल जाएगा। गाड़ी ऑन करूँ अहमद जी? नहीं ओके, ये डालने के बाद तो आप थोड़ा सा पास आ जाओ, आप ये चेक करो बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे आपने पहचाना कि बेस्ट परफॉर्मेंस है? हम तो डालते ही रहते हैं लिक्वी मोली वगैरह वगैरह, कई सारी कंपनियों के डालते हैं। ओके हाँ, तो उनसे बेस्ट है, उनसे काफी अच्छी क्वालिटी का ये रहने वाला है। तो अहमद जी ये पूरा हम डाल देंगे इसमें? हाँ पूरा डाल। तो ये पूरा डालने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, एज पर द एम्स ऑयल इस गाड़ी को 20 से 25 मिनट हमें ऑन करके रखना पड़ेगा, सो दैट ये जो इंजन फ्लश है पूरी गाड़ी के अंदर मोमेंटम ले आए, उसके बाद हम ड्रेन करेंगे पूरा हमारा इंजन ऑयल, सो दैट जितने भी हमारे पिस्टन हो गए या फिर जितनी भी जगह अहमद जी गंदगी वगैरह प्रॉपर ढंग से निकल जाए। अच्छी क्वालिटी आपको लगी अहमद जी? अगर अहमद जी ने अच्छा बोल देना फिर तो भाई प्रोडक्ट एकदम जान वाला प्रोडक्ट है। यहाँ पे अब हमारी गाड़ी में जितने भी नट्स होते हैं उनको खुलने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो आपको पास से दिखाना चाहूंगा।
ये नट खोलने के अलग से एक घोटी आती है, ऐसा कह लो ये एंटी थेफ्ट नट है जो हमारे, ये मेड इन ताइवान वाले नट है। तो जैसे ही खुलते हैं फिर गाड़ी हमारी लिफ्ट होगी, तब हम आपको दिखाएंगे। अहमद जी अभी तेल की क्या कंडीशन आप कहना चाहोगे? तेल की कंडीशन ठीक है मगर चेंज होने वाला था। ठीक है बट चेंज होने वाला था। अब मुझ जैसे बंदा कितना चला लेता है इस गाड़ी को? और 1500 चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। 1500 चलाने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अहमद जी को भी स्टार्टिंग से होता है गाड़ी में क्या क्या काम होता जा रहा है, बट स्टिल 1500 इज इनफ। उससे ज्यादा हम चला के इसको एक तरह से हार्म ही कर रहे हैं अपने इंजन को, है ना? जितना ज्यादा चलाएंगे उतना ज्यादा कार्बन बढ़ेगा इंजन के अंदर, जितना ऑयल जलेगा तो कार्बन बढ़ेगा। करेक्ट। यहाँ पे हमारी गाड़ी का पूरा इंजन ऑयल ड्रेन हो चुका है। मीनवाइल यहाँ पे एक्सयूवी 500 का भी काम चल रहा है और भाई एक्सयूवी 700 क्या गाड़ी आई है, बट अब अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। मीनवाइल आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे स्टिल हमारी एलईडी लाइट काफी अच्छे ढंग से काम चल रहा है, मतलब आप यहाँ पे आराम से चिल करके अपना काम भी देख सकते हो और आराम से अपनी गाड़ी का भी मजा ले सकते हो, और आपकी गाड़ी में क्या क्या काम चल रहा है वो भी आप बहुत प्यारे ढंग से और सुकून से बैठ के एकदम फन अपना लैपटॉप पे काम करते हुए भी देख सकते हो और एंजॉयबल अपना दिन आप बना सकते हो। A few moments later. यहाँ पे हमारा ऑयल फिल्टर का आ चुका है, एकदम मारुति जेन्युइन है और अहमद जी हमारा शुभारंभ कर रहे हैं। तो अहमद जी आप जादुई छुरा अपनी जेब में रखते हो बोले, एकदम कभी भी किसी को काटना पड़ जाए अपार्ट फ्रॉम बाजार क्या? मैं सिर्फ सामान के ही नहीं रखता हूँ। तो अब यहाँ पे हमारी गाड़ी में लगाया जाएगा, एक बार आपको दिखाते भी रहूँ मैं पास से। काफी ज्यादा हमें मशक्कत करनी पड़ रही है इसको निकालने के लिए, तो फाइनली ये निकल चुका है हमारा। जो हमारा प्रीवियस वाला था वो भी सुजुकी के था और ये वाला भी जेन्युइन निकला। तो यहाँ पे जो आप सबका डाउट था ना कि डुप्ली केसी तो नहीं है, तो आपके सामने डुप्ली केसी 0% है। अहमद जी शुभारंभ कर दीजिए। ऑयल गिरना बंद हो चुका है तो यहाँ पे हमारा ऑयल फिल्टर लग चुका है। अहमद जी आप क्या बता रहे थे? अब ड्रेन नट वापस लगाएंगे। एक मिनट दिखाना है, ये ड्रेन नट है कहाँ लगाएंगे एक बार बताना? ये चैम्बर में लगा होता है यहाँ पर। ओके ओके, तो यहाँ पे हम लगाएंगे। हाँ जी, इसी से ड्रेन होता है। 20 minutes later. तो यहाँ पे अब हमारे बोल्ट चेक हो रहे हैं। अहमद जी हम कौन कौन से बोल्ट चेक करेंगे थोड़ा बता? पूरा सस्पेंशन के बोल्ट चेक करेंगे, पूरे सस्पेंशन के बोल्ट चेक करेंगे। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये जो 3 बोल्ट है अहमद जी, ये किसके बोल्ट है थोड़ा एक बताओगे आप, आइडिया दोगे? ये इसका नक्कल होता है जो हम होता है जिसमें टायर चलता है, ये उसके बोल्ट है। अगर इसमें से कोई भी एक बोल्ट गायब हो जाए तो धीरे धीरे बाकी लूज हो गए टूट जाएंगे, पहिया बाहर आ जाएगा, पहिया बाहर आ जाएगा। बहुत लोगों मैंने देखा है एक दो बंदे की गाड़ी की पहिया चलते हुए गाड़ी से बाहर आ गए, रीजन होता है, यही रीजन होता है। ओके ओके ओके, तो चाहे पहिए के नट टाइट हो ये निकल जाएगा। ओ भाई साहब, ऐसा अलग हो जाएगा तो ये चीज बाहर आ जाएगी। ओके ओके, तो मेक श्योर आप ये सब चीज पर्सनल लेवल पे भी देखें, अपनी गाड़ी को टेक केयर करके रखो। हम हालांकि सर्विस सेंटर बहुत सारे अच्छी अच्छी जगह जाते हैं बट कभी हम खुद चेक नहीं करते, जैसे हमारे अहमद जी हो गए, उन्होंने बोला कि ये ठीक है ठीक है, बट एक पर्सनल लेवल पे भी चेक जरूर करना चाहिए। तो मेक श्योर आप ये चीज का बहुत अच्छे से टेक केयर करते हुए चले। तो जैसे ही हमारे सारे ये डिस्क वाला हिसाब किताब पूरा खत्म होता है तब मैं आपको दिखाता हूँ, इवन आप डिस्क की कंडीशन चेक कर सकते हो। तो ये कुछ कंडीशन हो चुकी है, हालांकि इसे लगे हुए 2-3 हफ्ता ही हुआ है, तो आप ये चेक करो। ये पूरा टाइट, तो ये जो टक्सी आवाज है इसका मतलब पूरा टाइट था, ये पूरा टाइट था। ओके, तो जो हम इधर का नट टाइट कर रहे थे अहमद जी, कहाँ का लूज था? ये वाला, ये वाला लूज था। तो ये कहाँ का नट है? ये चेसिस का नट है। ये चेसिस का नट है, जैसे ये निकल गया था ना इसका। ओके, हाँ हाँ, तो ऐसे ये निकल जाता है। ओके ओके ओके, ये देखो ये भी टाइट है, ये भी टाइट है हमारा पूरा। अहमद जी फिर तो हमें चारों टायर निकालने की नीड है या फिर फ्रंट के 2 निकालने की नीड है? बस फ्रंट के 2 ही निकालने की जरूरत है, चारों की जरूरत नहीं, चारों की जरूरत नहीं होती। ये जैसा कि आप चेक कर पा रहे हो अहमद जी का प्रॉपर हाथ मोमेंट में आ रहा है। यहाँ पे हमारा इस साइड वाले टायर का प्रॉपर ढंग से काम हो चुका है, इवन जो हमारे कैलिपर पिन थी उसमें ग्रीसिंग भी आउट हो रखी थी, अब हम इस साइड की तरफ आ चुके हैं। अहमद जी उस तरफ का जो रीजन था कैलिपर पिन, एक तो ग्रीसिंग आउट हो रखी थी पूरी, ग्रीसिंग आउट मतलब ब्रेक थोड़े ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है तो वो थोड़ा सा रहेगा, वो 19-20 तो चलता रहता है क्योंकि गाड़ियाँ जब हम इतनी अच्छी चला रहे हैं तो फिर वो भी कंसर्न रहता है। और अहमद जी को बताया मैं कितने प्यार से चलाता हूँ, तो उन्होंने बताया आपकी वजह से, तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अपार्ट फ्रॉम मजाक, अब हमारे इस टायर के ऊपर प्रॉपर इधर के हमने नट वगैरह चेक कर लिए थे, अब पीछे की तरफ चलेगी ये काम करने के बाद। तो जैसे ही पीछे की तरफ चले तब हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हम पीछे की तरफ आ चुके हैं। अहमद जी पीछे की तरफ अपने कितने नट रहते हैं बोल्ट वगैरह? ज्यादा नहीं होते,
ये इसके सकर वाले होते हैं बस, बाकी तो और कुछ होते हैं। बाकी फ्रंट में होते हैं हमारे, तो आप ये चेक करोगे, ये भी स्टिल लूज था हमारा। हाँ, एक बार सेकंड सर्विस पे जैसे करती है कंपनी, मगर करते नहीं है। एमजी कंपनी को जाना छोड़ ही दिया ना, कंपनी की इतनी प्यारी सर्विस है तो फिर वहाँ हो नहीं पाएगा इतना। वो काम कम करते हैं, पैसे ज्यादा बनाते हैं। 7-8 साल मेरी कंपनी में रहा। अच्छा, हुंडई में और मारुति दोनों में रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे बता कैसा काम होता है। बट कुछ भी कहो, अहमद जी ने अगर गाड़ी पे हाथ लगा दिया ना तो गाड़ी एकदम मक्खन बन के ही जाएगी। ये चीज मेरे को अहमद जी की बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि हमेशा मैं आता हूँ अहमद जी मिलते हैं या फिर अनिल भैया मिलते हैं या फिर जावेद जी मिलते हैं, तो ये तीनों भैया हमारे बहुत गजब के रहते हैं। इधर का भी हमारा जो टायर है प्रॉपर ढंग से टाइट हो चुका है, उधर का भी रहता है टाइट। नहीं टाइट, जब हम नीचे करेंगे तब करेंगे। अहमद जी अब हमारा क्या रहता है, हम ऊपर से स्पार्क प्लग वगैरह चेक करेंगे, पानी वगैरह टॉप अप करेंगे, बैटरी वाटर देखेंगे, एक बार कूलेंट भी चेक कर लीजिए, क्योंकि कूलेंट सारा कुछ करेंगे अभी गाड़ी नीचे देखे। अच्छा, कूलेंट हम नीचे लाने के बाद चेक करेंगे। क्वालिटी ठीक है, बट एक बार स्टिल हम जरूर दिखाएंगे लोगों को क्या क्वालिटी है। अहमद जी एक और चीज मेरे को बता, कूलेंट हमें पूरा फ्लश कब करना चाहिए? वो कैपेसिटी बता देता देखने के बाद, मैकेनिक बता देगा कि अब चेंज होने वाला है। अच्छा, वैसे जनरली सेकंड सर्विस पे कराना चाहिए? अभी तो आपकी मेरे हिसाब से इसकी लाइफ कूलेंट की होती है लगभग 15-20 हज़ार की, अगर अच्छी क्वालिटी का डलवाते हैं तो 15। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से इसमें जो कंपनी का आया था निकलवा दिया था, बूर्थ का ही चला रहा था मैं, तो ठीक है। अहमद जी एक और चीज हमको बताइए, जो गियर ऑयल होता है अपना, जैसे पुरानी गाड़ियों में होता था कि 60-70 हज़ार में चेंज करो, बट ये पुरानी गाड़ी नहीं है, लेटेस्ट गाड़ी है, तो इसमें आपका क्या कहना है कि कितने पे चेंज कराना चाहिए? 20 हज़ार पे गियर ऑयल चेंज होता, 10 हज़ार पे इंजन ऑयल चेंज होता। ओके, और लगभग 15-20 हज़ार के आसपास कूलेंट चेंज होता, मगर उसकी क्वांटिटी देखनी होती है कि कैसी क्वालिटी रहेगी। बट इतना एक एज पर द शेड्यूल ये सब होना चाहिए, अगर वो ठीक कंडीशन में तो हम उसे और चला सकते हैं, बट नेक्स्ट सर्विस जो होगी हम जो करा लेंगे उसमें शायद हमारा गियर ऑयल भी चेंज होगा। अगर हम कूलेंट को फर्स्ट सर्विस भी करा लेते हैं चेंज, तो कोई दिक्कत नहीं आती, रेडिएटर ब्लो होने से बच जाएगा, तब तो बहुत अच्छा चलता है। तो अहमद जी मेरे को एक चीज बताइए, अब हम नेक्स्ट क्या क्या चीज चेक करेंगे? जी अब इसके स्पार्क प्लग ऑफ करेंगे हम, और इसका विंडशील्ड वाटर जो होता है वो टॉप अप करेंगे, और इसका गियर ऑयल चेक करेंगे, और इसका कूलेंट चेक करेंगे, बैटरी वाटर चेक करेंगे, लाइटें वगैरह ये सारी चीजें, ब्रेक ऑयल टॉप अप, ये सारी चीजें इसी में आती है सर्विस। अच्छा अहमद जी, मैं इसका टाइमली जो विंडशील्ड वाटर है वो टाइमली चेंज करता रहता, मतलब कोलिन वाला पानी सबसे अच्छा माना जाता है, तो कोलिन वाला थोड़ा सा हाफ कोलिन हाफ पानी मिक्स करके भरता था, तो टिल नाउ शायद जरूरत ना पड़े हम लोग को। कोई बात नहीं, हमारा तो चेक करने का काम है ना, तो हम तो चेक करते ही, जाहिर सी बात है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, क्योंकि अगर होगा भी तब भी आप चेक करोगे, नहीं होगा तब भी चेक करोगे, तो उसे अगर नहीं होगा तो रिफिल होगा, और अगर होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारी धरनो नीचे आ चुकी है, कम है इसमें टॉप अप करा देंगे पूरा, कम है इसमें। हाँ, तो यहाँ पे कम है इसमें टॉप अप हो जाएगा। कूलेंट लगभग पूरा ही है, जरूरत नहीं है इस टाइम फ्रीजर कूलेंट, वो नीचे का दूसरा, तो कूलेंट हमें चेंज करने की नीड नहीं है। हाँ, कूलेंट की जरूरत। तो ये रिसेंटली आपके भाई ने बैटरी लगाई थी, जैसा कि आपने देखा होगा। अहमद जी इसे लगाए हुए 2 महीने हुआ है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ना, कोई बात नहीं। ओके ओके, नहीं बैटरी वाटर पूरा है इसमें, ये देखिए लेवल पूरा दिख रहा है। अच्छा, लेवल पूरा दिख रहा है, ये पूरा लेवल है। ओके ओके ओके, तो मतलब बैटरी वाटर हमारा ओके है जी, चेक तो करना ही होता है ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो ये चीज़ मेरे को बहुत गजब की लगती है। बट ये चीज़ अहमद जी, अगर हमारा स्टॉक एयर फिल्टर होता तो अहमद जी इसको भी साफ करते, बट इसको साफ करने के लिए अलग ताम जामे। तो अब हमारा वाइपर फ्लूइड का भी शुभारंभ होने को आ चुका है। अहमद जी कर दीजिए जादू छुरे से, ये कोलिन टाइप ही होता है, कोलिन टाइप ही होता है। हाँ, कोलिन डाल रहा हूँ सही है ना, क्योंकि जब हम 1 रुपए वाला जो साबुन वाला पाउच डालते हैं वो नीचे जम जाता है, वो बेकार कर देता है, पाइप लाइन खराब कर देता है, मोटर खराब चोक हो जाती है बीच में, और मोटर भी खराब कर देता है। हाँ, ओके ओके, तो ये हमारा पूरा डाल चुका है, अब हम पानी डाल देंगे जी। तो जैसे इसमें पानी डालते हैं, क्योंकि मेजर वाला काम हमारा इंजन ऑयल का है, इंजन ऑयल पे मेरे को कंसर्न है कि अहमद जी बताएंगे कि कैसा है हमारा इंजन ऑयल। तो जो हमारा इंजन ऑयल और इंजन फ्लश है वो इधर रखे हुए, आप देखो ये चेक करो, ये कस्टमर लॉन्च एक तरह से जहाँ से आप आराम से चिल करके बैठ सकते हो, बहुत प्यारा बनाया हुआ है, जहाँ से मैंने आपको बताया था आप आराम से काम वगैरह भी कर सकते हो। फिर एक बार आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे एम्स ऑयल का, जो कि हमको मॉडिफाइड हरियाणा वालों ने भेजा था, और यहाँ पे हमारी i20 का स्टिल काम इन प्रोसेस है। अहमद जी अब हम क्या कर रहे हैं, स्पार्क प्लग देख रहे हैं, साफ कर रहे हैं। ओके, इसको चेंज करने की नीड कब आती है? 20,000 किलोमीटर या पहले ख़राब हो जाता है, अलग बात है। पहले खराब, ये स्पार्क प्लग खराब कैसे होते हैं वो बताओ? असल में करंट की कंटिन्यूटी ज़्यादा चली जाए, या इंजन ऑयल प्लग के ऊपर आ जाए,
या गैप हल्का ऊपर नीचे हो जाए तो इस चीज से भी खराब हो जाता है। नई गाड़ी में तो जल्दी दिक्कत नहीं आती। या गाड़ी ज्यादा हीट हो जाए तब भी होता है। ओके, ज्यादा हीट हो जाए, जैसे हमारी गाड़ी रीमैप है तो इसमें अगर टाइमली कुछ ना हो तो चांसेस है। यहाँ पे हम एक बार आपको दिखाते हैं, स्पार्क प्लग की कंडीशन भी दिखाएगा अहमद जी, क्या कंडीशन है अहमद जी? फुल एकदम। जरूरी नहीं है कि मेरी गाड़ी है तो इतना अच्छे से काम हो रहा है, अगर आपकी भी कोई भी गाड़ी है एक्स वाई जेड, इवन अगर वो लग्जरी है, अगर i20 है, अगर XUV500 है, अगर होंडा सिटी जो कि काफी पुरानी है, तब भी इतने प्यारे ढंग से ही काम होगा। डीजल की गाड़ी में ये प्रोसीजर नहीं होता, डीजल की गाड़ी में ये प्रोसीजर नहीं होता, स्पार्क प्लग का इशू उसमें नहीं होता। नहीं, उसमें हीट प्लग नहीं होता, शुरू में काम करते हैं सिर्फ, जब गाड़ी को हम स्विच ऑन करते हैं उसी टाइम काम करेंगे, बाकी का काम खत्म हो जाता है, रिस्टार्टिंग के लिए काम होता है। कुछ कंपनियां हीटर प्लग देती हैं, जैसे महिंद्रा हीटर प्लग नहीं देती, उसमें होते ही नहीं। कौन सी गाड़ी? महिंद्रा। महिंद्रा देती है? नहीं देती। नहीं देती, बाकी लगभग सभी गाड़ियों में हीटर प्लग आते हैं। ये मारुति की हो गई अपनी, ये फिर मारुति हो गई, ये कुछ भी होगी बात। ओके, बाकी सब में आता है, महिंद्रा में नहीं आता। यहाँ पे हमारा खुल चुका है, अहमद जी क्या? एक मिनट, जूम हो जाए, फोकस हो जाए, एक मिनट, हो गया, एक मिनट बस अहमद जी ऐसे। अरे सारे निकाल लीजिए, फिर सारे आपको एक साथ दिखाते क्या कंडीशन हो रखी है। ये हीटिंग होना शुरू हो गया। अगर आप चाहते हैं तो इस सर्विस पे चला सकते हैं, और नहीं चाहते तो नहीं चाहते तो चेंज करा। ये किसके? एनजीके के हो गए अपने? एनजीके। ओके, ये कौन से वाले? आप मेरे को बता रहे थे कि रेडियम वाले कुछ आते हैं। हाँ वो आते हैं, मगर वो थोड़ा प्लग महंगा पड़ता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ये वाले अभी कौन से हैं? ये हमारे जो कंपनी लगा के देती है वही। ये वही है? ओके ओके ओके, तो आप ये चेक कर सकते हो। ये इतने 20,000 में इसको ऐसा होना चाहिए अहमद जी? हाँ हो जाते हैं, हो जाते हैं। हाँ क्योंकि गाड़ी में तो आग ही जलती है ना यहाँ पर। करेक्ट करेक्ट, आग में चलेगा तो अभी हम इसे ठीक कर सकते हैं या फिर साफ कर सकते हैं? साफ कर सकते हैं, के बाद दिखाऊंगा। साफ करने के बाद हम दिखाएंगे अहमद जी, इसको इस सर्विस में चला सकते हैं हम? कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, तो इस सर्विस हम चला देते हैं, जैसे ही नेक्स्ट सर्विस में पहुंचते हैं तब हम उसको चेंज करेंगे, एक बार पास जाके आपको जरूर दिखाते हैं। चारों प्लग साफ होते तब हम आपको दिखाते हैं। तो ये आ गए हमारे, साफ हो गए एकदम, चिकने एकदम प्लग आ चुके हैं। अहमद जी अगर चेंज ना कराए तो अब ये और कितने टाइम चल सकते हैं? लगभग अगली सर्विस तक तो चली जाएगी, अगली सर्विस तक चले जाएंगे। बट रिकमेंड था आपके साइड से चेंज करा लो, बट हम चला सकते हैं। बट इसको मैंने कहा आपसे कि इन बिटवीन आके चेंज करा लो, क्योंकि जो आपने मेरे को बताया, कौन से वाले बताए थे आपने? रेडियम कहते हैं। ओके ओके, तो वो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, बट उसकी परफॉर्मेंस एक तरह से काफी अच्छी होती है, तो वो वाले जरूर हम डलाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो चुका है। सारी 500-600 रुपए के आसपास एक प्लग, मतलब नियर अबाउट 600, मतलब अपने 2400 के करीब या 2500 के करीब चारों प्लग पड़ जाएंगे। बट उसकी भी लाइफ क्या रहती है अहमद जी? लाइफ उसकी इससे अच्छी होती है परफॉर्मेंस, मगर लाइफ यही होती है 20 से 25। अच्छा, लाइफ में ही होती है, बट परफॉर्मेंस में थोड़ा हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये हम इन बिटवीन करा लेंगे अभी सिर्फ टेम्पररी, क्योंकि लेट हो चुका है, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आया था विजेंद्र जी के पास, तो मेरे साइड से थोड़ी मिस्टेक थी, बट हम थोड़े इन बिटवीन 2-3 दिन में जब चेंज कराएंगे तो नो डाउट आपको जरूर दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारे भैया नट टाइट करते हुए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रॉपर ढंग से। तो अभी हमारा जो स्पार्क प्लग का काम है वहाँ पे उसकी फिटमेंट डन हो रही है। मीनवाइल यहाँ पे हमारे अहमद जी आ चुके हैं यहाँ का एसी फिल्टर चेक करने के लिए, जो हमारा पहला पिछली बार जो हमने डलवाया था वो एयर कैप का था, मेड इन इटली वाला हमारा एयर, जो कार्बन बेस्ड एयर फिल्टर होता है, जो कि जितने भी डस्ट बैक्टीरिया वाले होते हैं एज पर द स्टॉक काफी अच्छा रहता है उसका, और इवन कूलिंग में भी काफी ज्यादा अच्छा रहता है। अहमद जी क्या कंडीशन है एक बार देख के बता रहे, मेड इन इटली वाला हमारा एयर फिल्टर, क्या बोलो? क्या जो एयर मार के साफ हो जाएगा, एयर मार के साफ हो जाएगा, मतलब चलेगा भी ये? ओके ओके, पर ना एसी के जो एयर फिल्टर होते हैं उसे नेक्स्ट हर सर्विस में चेंज करा लेना चाहिए। हाँ वो तो डिपेंड करता है किस आपकी गाड़ी कितनी गंदी रहती है, जितना अंदर डस्ट होगा ना वो एसी फिल्टर में ही जाएगा। तो अभी टिल नाउ उसकी कंडीशन ठीक है जी।
ये हमारा फिल्टर क्लीन हो चुका है अहमद जी, ज्यादा क्लीन नहीं हुआ है, जो डस्ट थी निकल गई है वो अभी अगली सर्विस पे हमें चेंज ही करा लेंगे। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे होगे, ये हमारा एयर कैप का कैबिन एयर फिल्टर जो कि मेड इन इटली का, जो मैंने आपको बताया था, बकायदा स्विफ्ट के लिए आया था। तो यहाँ पे हमारा एम सॉइल का इंजन ऑयल आ चुका है, एक बार आपको जरूर दिखाना चाहेगा। तो ये कुछ है अहमद जी, ये जो आता है हमारा 5W30 आता है फुल्ली सिंथेटिक, और ये वाला जो है बाकी नॉर्मल कोई भी इंजन ऑयल से बहुत ज़्यादा एक अच्छी क्वालिटी का, बहुत एक अच्छा है। बाकी तो हमारे अहमद जी बताएंगे आखिर ये क्वालिटी कैसी है। ये होता है 3.78 लीटर, बट अपनी गाड़ी में जाता है अहमद जी 3.75 ही जाता है, ये 3.78 है, ये 3.5। तो आप ये चेक कर सकते हो, बाकायदा इसमें प्रॉपर सील देखने को हमें मिल जाती है। शुभारम्भ कर दीजिए अहमद जी। इसमें जो आता है 3.78 लीटर आता है, बट गाड़ी में जो जाता है जनरली मारुति या फिर इसके जितने भी गेट वाले इंजन के सीरीज है उसमें आता है 3.75, और ये है 3.78। अहमद जी एक बार आप चेक कर लीजिए कैसी इसकी क्वालिटी है। अच्छा, डालने में बदल जाएगा, क्या बोल रहे हैं अहमद जी? ये ज्यादा है ना, ज्यादा 3.78 लीटर है। तो यहाँ पे अब डालने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। रोड की क्वालिटी बहुत बढ़िया, एकदम छूटती मतलब आपने देखते क्या दिया, वो तो नजर आ रही है। ऐसा क्या देखा है अहमद जी, मेरे को भी थोड़ा बताओ, जो हमारी नजर है वो भी देख। जो सिंथेटिक की क्वालिटी होती है वो बहुत बेस्ट क्वालिटी है, सिंथेटिक की जो क्वालिटी उससे भी बहुत बेस्ट है, जो सिंथेटिक क्वालिटी होती है अच्छी क्वालिटी है उनमें से। तो अहमद जी का आपने फीडबैक सुन लिया होगा, मतलब बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट अपनी गाड़ी में जा रहा है। इवन मेरी गाड़ी में नहीं, इवन ये जर्मन, जितनी जर्मन ब्रांड होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। एम सॉल एक अपने में एक नाम है, बट ये हमारे इंडियन मार्केट में बहुत लोगों को पता नहीं है, क्योंकि इसके बारे में लोगों को बताते ही नहीं है। बट हाँ, मेरे थ्रू अगर जितने मेरे भाइयों को पता चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। गाड़ी की केयर मतलब हम लोग अपनी जान की केयर कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे अहमद जी रख दिया, अब हम चेक करेंगे ना। इसमें 3.78 आता है लिखा भी हुआ है, क्योंकि और अपनी गाड़ी में शायद स्विफ्ट में जितना आता है 3 लीटर 750 ग्राम है ना। हाँ, ज्यादा इंजन ऑयल हो जाए तो दिक्कत है अहमद जी? नहीं, थोड़ा बहुत से ज्यादा कोई अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत से ज्यादा कोई अंतर नहीं होता। अगर आधा लीटर फालतू हो जाए या 200-250 ग्राम फालतू हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा, तो फिर गाड़ी इधर आधर को ऑयल फेंकेगी, गाड़ी लीकेज होना शुरू हो जाएगा इधर आधर, कहीं से ना कहीं से तो लीकेज करेगी ना उसकी कैपेसिटी। ओके ओके ओके, तो मतलब लीकेज का इशू भी हो सकता है। तो ये पूरा खाली हो गया अहमद जी? थोड़ा सा बचा है, 250 ग्राम बचा है। ओके 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 ओके, दिख गया दिख गया दिख गया, तो इतना बचा हुआ। तो एक बार अहमद जी चेक कर रहे हैं प्रॉपर ढंग से। हाँ, बिल्कुल ये आ गया, अभी थोड़ा ऊपर जा रहा है इससे, अब स्टार्ट करेंगे तो बराबर प्रॉपर एकदम आ जाएगा। अहमद जी, इंजन ऑयल के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या रह जाएगा? बस बाकी प्रॉपर काम हम पहले ही कर चुके हैं, पहले हम कर चुके हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट हम सारे चेक कर चुके हैं, लाइट वगैरह, क्योंकि लाइट इसमें कोई कंपनी वाली नहीं है, सब ये बेस मॉडल गाड़ी, उसमें हम सब कुछ चेंज कर चुके हैं। ब्रेक ऑयल अपना ऑलरेडी फुल था, क्योंकि रिसेंटली ब्रेक पैड डाले थे। ब्रेक ऑयल इसमें नॉर्मल नहीं जा सकता, क्योंकि ये ब्रेम्बो डॉट 5.1 इसमें है, जो रेसिंग स्पेसिफिक वाले ब्रेक ऑयल होते हैं। अच्छा अहमद जी, आपने अब तेल छुआ होगा तो कैसा, मतलब कुछ फीलिंग पता चलता है? अच्छा लग रहा है, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, मतलब नॉर्मल जितने भी आप इंजन ऑयल डालते हो उससे काफी इंप्रूव और काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है कि बाहर का प्रोडक्ट है। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा, फाइनली यहाँ पे हमारी गाड़ी एकदम लश्कारे मारते हुए मिल गई हम लोग को, और सारा काम हो गया अपनी गाड़ी में। डिफरेंस क्या लगा वो तो मैं अभी बता नहीं पाऊंगा, बट हाँ डिफरेंस है।
जो फर्स्ट इनिशियल स्टेज में ड्राइव करी, मैंने कहा हाँ भाई डिफरेंस है, बट कुछ टाइम चलाने के बाद इंजन थोड़ा सा इसके बाद एकदम कह लो कि एक तरह से रवा हो जाए, एकदम प्रॉपर एकदम हो जाए सब कुछ, तब जाके मैं एक्चुअल रिव्यू बता पाऊंगा कि आखिर इस प्रोडक्ट को अगर हम यूज़ कर रहे हैं अपनी गाड़ी में तो क्या हमें कुछ डिफरेंस लग रहा है या फिर जेन्युइनली नहीं लग रहा है। जैसा कि आपने देखा हमारी गाड़ी फुल एकदम लश्कारे मारते हमारे विजेंद्र जी ने हमको प्रोवाइड करा दी, वहाँ पे उस टाइम रात हो चुकी थी इसलिए हम नेक्स्ट डे शूट कर रहे हैं। नेक्स्ट डे में हमारी गाड़ी प्रॉपर लश्कारे मारते हुए डन हो चुकी है। आप देखोगे आपने सर्विस वगैरह प्रॉपर ढंग से देखी होगी, इवन हमारे अहमद जी ने भाई एक वर्ड कहा कि हाँ ये जो इंजन ऑयल और जो इंजन फ्लश है वो नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं रेगुलर डे टू डेज में वो उससे कुछ अलग चीज़ है, इसमें कुछ इसकी बातचीत है, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं होता, ये स्पेशली मॉडिफाइड अरीना वालों के ही पास है और आपको इजीली अवेलेबल होता हुआ नहीं दिखेगा। एक बंदा एक बार इसको यूज़ करने लग जाए तो यार वो फर्स्ट टाइम ये कहते हैं ना वन साइडेड लव, तो वो हो चुका है बट टू साइडेड लव बन चुका है क्योंकि हमारी जान को भी धीरे धीरे पसंद आता जा रहा है। सब कुछ हमने दिखा दिया होगा, अगर आप मॉडिफाइड अरीना से कुछ भी सामान इंजन ऑयल नहीं कुछ भी मंगाना चाहते हो, ए से लेके जेड तक कार एक्सेसरीज हो गई, कार की हेडलाइट हो गई, आफ्टर मार्केट या फिर कस्टमाइजेशन, तो आप मॉडिफाइड अरीना को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट वो लोग मेनली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड में ही डील कर रहे हैं, बट उनके काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। इवन वो लोग रैप और पीपीएफ में भी है जिसमें आपको डोर टू डोर हैसल फ्री सर्विस देखने को मिलेगी। जैसा कि आपने देखा होगा फाइनली यहाँ पे हमारी गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह प्रॉपर ढंग से डन हो चुकी है और हमारे साथ फिर से विजेंद्र जी आ चुके जिन्होंने हमारे इन बिटवीन प्रॉपर टेक केयर करते हुए गाड़ी का काम करवाया। इवन यहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं विजेंद्र जी आपकी भी गाड़ी आएगी तो विजेंद्र जी इवन पर्सनल लेवल पे भी खुद टेक केयर करते हैं और यहाँ पे अर्पित भाई भी टेक केयर करते हैं। अगर विजेंद्र जी कभी खाने पे चले गए कभी बाहर चले गए तो अर्पित यहाँ पे आपको मिलता है जो पूरी गाड़ी को टेक केयर करता है। आपके पास इको जैसा मैंने यहाँ पे दिखाया था इको खड़ी है, यहाँ पे जैसे कि अर्पित भाई हम देख पा रहे हैं एलिट आई 20 खड़ी है, बिल्कुल। तो इसमें क्या काम हुआ थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्योंकि हमने इन बिटवीन दिखाया था कंपाउंडिंग हो रही थी। बिल्कुल, इसमें पेंट करेक्शन ट्रीटमेंट हुआ है बेसिकली और हम लोग जो भी काम करते हैं डिटेलिंग का वो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ करते हैं और प्रॉपर चैनल के थ्रू करते हैं, जैसे हम प्रॉपर मास्किंग करते हैं हर चीज़ की। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मास्किंग वगैरह प्रॉपर ढंग से हो रखी है। थोड़ा सा पास आ जाओ विजेंद्र जी, आप भी आ जाइए। एंड इसका फाइनल स्टेप बचा है वो हम कल करेंगे क्योंकि गाड़ी की डिलीवरी, क्योंकि हमारी इन बिटवीन कंपाउंडिंग हो रही थी इसमें। बिल्कुल एग्जैक्टली, अभी कंपाउंडिंग हो रही थी, लास्ट पॉलिशिंग वाला स्टेप जो है वो कल होगा। हम और क्या क्या सर्विस डिटेलिंग में प्रोवाइड कर रहे हैं? डिटेलिंग के अंदर बेसिकली फ्रॉम बेसिक टू रबिंग पॉलिशिंग एंड ड्राई क्लीनिंग टू सेरेमिक कोटिंग्स हम सब कुछ करते हैं, क्योंकि विजेंद्र जब हम स्टार्टिंग में आए तब ये सर्विस नहीं थी, ये रिसेंटली सर्विस लॉन्च हुई है। और इसमें कैसे चल रहा है भाई काम, कुछ फीडबैक वगैरह? बहुत अच्छा है, कस्टमर का क्या फीडबैक आ रहा है? एब्सोल्युटली ग्रेट, अब ठीक है। यस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो i20 इवन यहाँ पे आपके पास जो मर्जी गाड़ी हो आप चाहते हो पॉकेट फ्रेंडली में काम कराना गाड़ी की डिटेलिंग, और कार लवर तो यार ये चीज तो बहुत कॉमन सा रहता है, तो डेफिनेटली आप एसएस मोटर पे आ सकते हो। विजेंद्र जी मैं जानना चाहूंगा और क्या क्या सर्विस फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि क्योंकि मैं इस फील्ड में 24 साल से हूं तो मुझसे ज्यादा इस एरिया के बारे में कोई नहीं जानता, तो मैं लोगों को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी 5 किलोमीटर तक भी दे सकता हूँ, वो हम देते भी हैं नॉर्मली। घर से गाड़ी लानी होती है और छोड़नी भी होती है, आजकल लोग वर्किंग बहुत ज्यादा हो गए हैं। करेक्ट, और लोगों के पास समय नहीं होता गाड़ी लेके आने का, फिर वापस उनको लेके जाने का, तो अप टू 5 किलोमीटर हम लोग सर्विसेज देते हैं। तो 5 किलोमीटर आपको यहाँ से राजौरी गार्डन, गाड़ी की सर्विस में हम और क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं? देखिए गाड़ी से रिलेटेड कोई भी काम हो आपका, चाहे वो गाड़ी की सर्विसिंग की बात है, सस्पेंशन की बात है, पेंट की ट्रीटमेंट की बात है, पेंट करना जो होता है उसकी भी है, डेंटिंग पेंटिंग भी है, एसी का काम है, सारे काम हम यहाँ करते हैं। लोगों को कंसर्न ये भी होगा कि राहुल की गाड़ी थी तो इसलिए अच्छी तरह से हुआ, ऐसा कुछ तो नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा तो प्रॉपर ट्रीटमेंट देते ही है, बिकॉज 24 साल से मैं इस मार्केट में सर्वाइव कर रहा हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है आज सबसे पुराना वर्कशॉप है पूरे उत्तर नगर में, करेक्ट, पुराना वर्कशॉप है और बहुत प्यार से काम होता है। जी हाँ, तो अब एक ब्रांड के रूप में अपने आप हम लेके आ चुके हैं और आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आगे भी बढ़ते रहेंगे, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक रहेगा आगे भी। क्योंकि अहमद जी जब जो काम करते हैं ना, जैसा मैंने आपको इन बिटवीन में दिखाया था, अहमद जी का जिस गाड़ी पे हाथ लग जाए ना, इवन अहमद जी जितने भी यहाँ पे भैया लोग हैं, अहमद जी, जावेद भैया, अनिल भैया, जिनका भी हाथ लग जाए भाई गाड़ी आपकी मक्खन होके ही जाएगी। तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा होगा सर्विस वगैरह बता दोगे, डिटेलिंग की भाई ने सर्विस बता दी क्या क्या अवेलेबल है। विजेंद्र जी किसी को इतना प्यारा प्यारा काम कराना, आखिर वो कैसे आ सकता है, एक बार एड्रेस बताइए। देखिए 715 पिलर है मेट्रो का, 715 नंबर पिलर के सामने हमारी वर्कशॉप है अवेलेबल एसएस मोटर्स के नाम से। गूगल मैप से आप डाल देंगे तो वो आराम से पहुंच सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी पहुंचने में। हाँ, यदि कोई और भी क्वेरी चाहिए तो आप फोन पर हमसे बात कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं करना, विजेंद्र जी का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, इवन आपको गूगल लिंक भी मिल जाएगा, कहीं से भी आ रहे डायरेक्ट एसएस मोटर आप पहुंच जाओगे। भाई एक बार फोन नंबर ही बताना,
फोन नंबर है 9810521283 एंड अदर वन इज 9711861283। ज्यादा कुछ नहीं करना, विजेंद्र जी अर्जुन भाई का नंबर यहाँ पॉप कर दूंगा, इवन आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाए। कोई सी भी गाड़ी हो, कोई सा भी डाउट, एक्स वाई जेड गाड़ी की डिटेलिंग से लेके गाड़ी की सर्विस तक आप एक्स वाई जेड विजेंद्र जी अर्पित भाई से क्वेरी कर सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा हमारा जो सामान आया था मॉडिफाइड अरीना की तरफ से आता है, बट उसको प्रॉपर ढंग से उसको इनिशिएट जो किया एसएस मोटर मतलब विजेंद्र जी और अर्पित भाई ने किया, बट टिल नाउ गाड़ी में स्टार्टिंग में कहना चाहूंगा विजेंद्र जी आपने भी देखा थोड़ा सा आवाज आने लग गई थी, टाइम हो गया था यार आप पहले जा रहे थे उसे टाइम हो गया था, विजेंद्र जी मेरे को कहते रहते हैं तो थोड़ा टाइम लग गया था, बट हाँ स्टिल अब आफ्टर दिस विजेंद्र जी आपने भी तेल देखा था, क्या कहना चाहोगे आप इंजन ऑयल को लेकर? बहुत बढ़िया क्वालिटी का ऑयल है, नॉर्मल इंजन ऑयल के मुकाबले काफी बेहतर है, काफी बेहतर आपने भी देखा। इवन यहाँ पे हम कहते हैं गाड़ियों के डॉक्टर, तो यहाँ से गाड़ियों के डॉक्टर ने भी हमको बोल दिया कि बहुत अच्छा इंजन ऑयल है, और अहमद जी ने तो कह ही दिया था। सो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है प्लीज लाइक करे बिना मत जाना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और यहाँ तक वीडियो देखी सब्सक्राइब करके जरूर जाना, शेयर नहीं करना दोस्त फैमिली तक फैला दो, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कैसी लग रही हमारी जान और कैसे लगे हमारे विजेंद्र जी और अर्पित भाई। अब आपसे मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अर्पित भाई ऐसे बाय, आपने जल्दी कर दिया, फिर से करेंगे एक बार, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अर्पित भाई विजेंद्र जी फिर से बाय। सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक, अरे तेरे को मूवमेंट करनी है, मोमेंटम में चलना है, फिर यहाँ पे आके तेरे को यहाँ एक बार कट कर, यहाँ से चल तो गाड़ी गोरी नहीं होगी ना, तू इधर हो जाना या फिर इधर, the higher the summit the harder the plummet, they know me all over this planet, I'm just a man and I can't understand it, proud that I win and I did it myself, probably wouldn't if I got the help, hearing subliminal soul in my cell, feel like I'm breaking I'm falling to hell, told me I'm sick and I tell her oh well, rather me dead than